राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में गड़बड़ी पुलिस की। 103 मंगलवार रात 6 गुंडों ने चाकू लहराकर 8 दुकानों में जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की और नशे में धुत गुंडे चाकू लहराकर क्षेत्र में घूमते रहे और दुकानदारों और राहगीरों को धमकाते हुए नजर आए। एक दुकानदार की गर्दन पर चाकू रखकर बदमाशों ने उसके गले में रखे 20,000 से ज्यादा रुपए छीन लिए और पैसे नहीं देने पर दो लोगों की जांघ पर चाकू भी मार दिए। बताया जा रहा है कि ये 6 गुंडे थे और सभी लिस्टेड बताए गए हैं। इनमें से एक गुंडा ऐसा है जिसके जिला बदर की अवधि अभी खत्म ही हुई है। घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लूटपाट के दौरान गुंडों ने कई दुकानों में रखा सामान फेंक दिया तो कई ने वहां रखे सामान दुकानदारों को फेंक कर भी मारे हैं। पूरे घटनाक्रम से हम आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले रात 7:30 बजे गुंडों ने तेजपुर गड़बड़ी पुल के पास एक मोबाइल शॉप पर तोड़फोड़ की और वहां मुकुल और दिनेश से मारपीट की। इसके बाद वो एक स्कीम नंबर 103 में केसर बाग ब्रिज के पास IDA के निर्माणाधीन इमारत के सामने स्थित एक दुकान पर पहुंचे और वहां धावा बोला और एक एक कर वो चाकू लहराते हुए किराना, दूध, डेयरी, गैरेज, स्वीट, सैलून और नमकीन की दुकानों में घुसे और दुकानदारों से पैसे मांगने लगे। उन्होंने A1 ट्रेडर्स पर भी तोड़फोड़ की और यहाँ रखे सामान तोलने के कांटे और लहसुन उठाकर फेंक दी। गुंडों ने क्षेत्र में जो सैलून है उसके कांच का दरवाजा भी तोड़ दिया और विनायक स्वीट्स नाम की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने किराना और नमकीन सामग्री फेंक दी और वहां जो लोग खड़े थे उनके साथ मारपीट भी की। गुंडे यहीं नहीं रखे और पास खड़े मुकुल चौहान और द्वारका सेन के पैसे लेने के लिए धमकाने लगे और जब दोनों ने पैसे नहीं दिए तो बदमाशों ने उनकी जांघ पर चाकू मारकर उन्हें घायल कर दिया। गुंडों ने इस तरह से आतंक मचाया कि क्षेत्र में पूरी तरह से दहशत का माहौल हो गया है। इन गुंडों को लिस्टेड अपराधी बताया जा रहा है और इनके नाम लक्की सोनू काला, गिरीश पंडित और सोनू गांव वाला है, बाकी दो अज्ञात हैं। सोनू काला के जिला बदर की अवधि हाल ही में खत्म हुई है और उसके बाद उसने इस बड़े घटनाक्रम को अंजाम दे दिया है। राजेंद्र नगर थाना में दुकानदारों के साथ शिकायत करने आए लोगों ने बताया कि पुलिस को CCTV फुटेज दे दिए गए हैं। गुंडों ने 8 दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की है और घटना के बाद TI ने क्षेत्र का दौरा कर दुकानों की स्थिति को देखा है और बदमाशों पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है और आरोपी की तलाश जारी है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।